टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है आना जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जैसे मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, यानी आ है, आ की आवाज आ रही है, ई की आवाज आती है, आ ई ए के साथ लास्ट में अगर है आ रहा है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, और इंग्लिश आपने क्या बनाई, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। और अब आखिरी सेंटेंस बता रहा हूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव को आगे लाएंगे आप, हैव आई नॉट डन माई, हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, और अंत में आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें हिंदी में चुका है चुकी है, चुका हूं चुकी हूं चुके हैं, या आ है ई है ए है, ऐसी ध्वनि निकलती है। ओके, दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैज या हैव, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बात को समझे, यानी इसमें अगर एक वचन करता तो हैज का प्रयोग होगा, और अगर करता बहुवचन है तो इसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यह बच्चों साधारण बात हुई हमारी किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्थिति है, और कर्ता बदल के आप करते हैं आई, तो आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, ठीक है, यू के साथ हैव आएगा, नियम वही रहेगा, यानी आई और यू को बहुवचन मानो, एक वचन के साथ हैज आएगा तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा।